तो फ्रेंड्स काफी सारे बंदे भाई मुझसे इंस्टाग्राम पे जाके ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड हमें ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करें। और भाई मैं लगातार इस पे वीडियोस बना ही रहा हूँ कि कैसे ट्रैवल करना है, क्या क्या चीज़ों की आपको सावधानी रखनी चाहिए अगर आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो। और ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में हर वीडियो में बता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी बंदों के मैसेज आ रहे हैं उसके बावजूद भी। तो भाई मुझे लगा कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि भाई कैसे आप न्यूजीलैंड ट्रैवल कर सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो काफ़ी सारे बंदों का यही सवाल है, तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उससे भाई उससे पहले मैं आपको बता दी कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें जरूर होनी चाहिए जो आपको इसमें हेल्प करेगी, आपको वहाँ तक पहुँचाने में, आपको बोर्डिंग दिलाने में। तो वही मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दिया करो यार, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जिनको भी ट्रैवल करना है उनको जरूर शेयर कर दिया करो यार, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की हेल्प हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूजीलैंड के ट्रैवल के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं, धड़ाधड़ वीज़ा मिल रहे हैं, टूरिस्ट ई वीज़ा, और मोस्टली लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को वर्क परमिट पे जाना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कई सारे लोग वो भी पूछते हैं, किसी को ट्रैवल करने जाना है, किसी का जैसे स्पॉन्सर किन्होंने जिन्होंने किया है उनको ट्रैवल करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं आप लोगों के, और इंस्टा पे भी भाई कमेंट करते रहते हैं लोग कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे आपको ट्रैवल करना है, सबसे पहला सवाल है ये। तो मान लो कि आपके फ्रेश पासपोर्ट है, आपका वीज़ा आपको मिल गया, क्योंकि मोस्टली लोगों को मिल ही रहा है, और एज ए जेन्युइन ट्रैवलर आपको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको जो फ्लाइट, जो एयरलाइन आप चूज़ कर रहे हो, तो कई दो तीन रूट बनते हैं। एक तो सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, तो तीन ये हैं। और इधर अपना दुबई से, क्योंकि दुबई भाई एक हब है, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंट्रीज वहाँ पे कनेक्टेड एयरलाइन है वहाँ पे, और वहाँ से ट्रैवल करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट भी हैं, इनडायरेक्ट भी है। तो न्यूजीलैंड के लिए आपको वहाँ से, मलेशिया से, सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती हैं, और दुबई से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। सिंगापुर से आप सिंगापुर एयरलाइन ले सकते हो, ठीक है, कोई ये चीज़ बताएगा नहीं आपको, कोई एजेंट नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और मलेशिया से आप मलेशियन एयरलाइन ले सकते हो, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं ऑकलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। तो जो फ्लाइट्स जाती हैं सारी वो डायरेक्ट हैं, और दुबई से आप ले सकते हो एमिरेट्स, एमिरेट्स की फ़्लाइट आप दुबई से डायरेक्ट ले सकते हो, 9 साढ़े 9 घंटे का उसका टाइमिंग है पूरा वहाँ पहुँचने तक का। तो ये फ़्लाइट की डिटेल है। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, आप जो फ़्लाइट भी बुक करो, मान लो कि आप एमिरेट्स कर रहे हो, सिंगापुर एयरलाइन कर रहे हो, या फिर मलेशियन एयरलाइन कर रहे हो, सिंगल पीएनआर पे, यानी कि सेम पीएनआर पे आपको रिटर्न फ्लाइट भी करनी है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जब आप काउंटर पे जाते हैं और आप अपना टिकट उनको देते हैं, स्टाफ को, एयरलाइन स्टाफ को, तो वो पीएनआर डाल के चेक करते हैं। जब पीएनआर डाल के चेक करेंगे तो आपको उनको आपकी दोनों टिकटें दिखेंगी, शो करेगी वहाँ पे, अगर सेम पीएनआर पे होगा ना, तो दोनों टिकटें शो करेंगे, आपकी जाने की भी और वापस आने की भी। देन दे विल रियलाइज़ कि येस, दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग जेन्युइनली, क्योंकि इनका जो पर्पस है वो जेन्युइन, क्योंकि इनकी उनको टिकट उनके सामने शो कर रही है, तो उनका आधा डाउट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अब उसको फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कि अगर आप क्या करते हो कई बार कि भाई आपने जाने की डिफरेंट एयरलाइन कर ली और आने की आपने डिफरेंट एयरलाइन कर ली, क्यों, सस्ते के चक्कर में, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि आपको कई जो फ्लाइट्स हैं डेट्स के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करो तो सस्ती मिल जाती हैं, इस चक्कर में आप डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन कर लेते हो, तो उनको लगता है कि भाई हमारी एयरलाइन की तो है नहीं, वापस ये आए या ना आए, क्योंकि वो दूसरी एयरलाइन का पीएनआर चेक नहीं कर सकते, वो शायद फेक भी हो सकता है, दे विल थिंक लाइक दिस, वो फेक भी हो सकता है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि भाई इस बंदे को आप पकड़ो, इस पे नज़र रखो, इसको क्रॉस चेक करो, डबल चेक करो, सारी चीज़ें चेक करो, अगर थोड़ा सा भी डाउट इसमें लगता है तो इस बंदे को बोर्डिंग मना कर दो। ये एक्चुअल रीज़न होता है, क्योंकि भाई मैंने भी काफ़ी ट्रैवलर से बात करी, काफ़ी रिसर्च करी इसके ऊपर, तो मैं जाके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई नहीं आपको बताएगा, तो तब जाके उनको लगता है कि हाँ भाई ये शायद वापस ना आए जाने के बाद, तो इस बंदे को आप पकड़ लो, फिर बोर्डिंग मना कर दो। तो ये एक रीज़न है भाई, ये चीज़ आप कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे ट्रैवलर से बात करने के बाद ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, है ना। और भाई
किसी का भी कोई डाउट रहता है तो इंस्टा पे आ जाया करो, ठीक है। वहाँ पे आप फॉलो करो, मैसेज करो, फॉलो करो पहले, फिर मैसेज। आप ऐसा नहीं कि हाई लिख के भेज दिया भाई, आप अपना क्वेरी लिखो, अपना क्वेश्चन बताओ, या जो भी आपका डाउट है वो आप लिख के भेजो या वॉइस मेल छोड़ो, उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। उसमें हाई हेलो में फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ भाई, अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, अपने वीज़ा में क्या फाइलिंग करवा रहे हो, आपने भी अपने वीज़ा एप्लीकेशन में क्या मेंशन किया है, कौन सी होटल बुकिंग करी है, कहाँ में, कहाँ पे करी है, ऑकलैंड में करी है, वेलिंगटन में करी है, हैमिल्टन में करी है, कहाँ पे करी है, वो लोकेशन आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि भाई आप जा कहाँ रहे हो, कहाँ रुकोगे, कौन सी वो लोकेशन है, ये सारी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप विलिंगटन में रुके हो तो उसकी लोकेशन और होटल का नाम, आप ऑकलैंड में रुक रहे हो आपके उसमें लोकेशन और होटल का नाम, कहाँ पे आप जाओगे, कैसे जाओगे। मान लो कि इमिग्रेशन काउंटर पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप इमिग्रेशन में जा रहे हो, और सॉरी आप ऑकलैंड में जा रहे हो तो कहाँ जाओगे, आप बोलोगे कि लॉज होटल, उसमें आप कैसे जाओगे, बाय टैक्सी, बाय बस भी जाती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो सस्ता होता है किसी भी कंट्री में, तो आप कैसे जाओगे वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको कब पता होंगी, जब आपकी एप्लीकेशन में जो चीज़ें डली हैं वो आप अपने एजेंट से पूछो, उनसे पता करो, और उनके जो भी आपने एलिमेंट्स उन्होंने आपके फाइल में डाले हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये होटल बुकिंग हो गई, और आपकी सेकंड चीज़ आपकी ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में उन्होंने क्या मेंशन किया है, काफ़ी सारे लोग आते हैं मेरे पास, सर हमारे पास तो वीज़ा और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं, वो भी एजेंट ने निकाल के दिया, मेल पे तो आया नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना मेल डाला होगा तो उनके मेल पे चला गया। तो ये चीज़ भी है, ये काफ़ी सारे बंदे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो भाई आइटनरी जो आप एप्लीकेशन में डालते हो वो आपके पास जरूर होनी चाहिए, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या डे वाइज आपका क्या क्या मेंशन किया है, कि इस दिन में आप कहाँ जा रहे हैं, इस दिन आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से आप होटल में रुक रहे हैं, कब आप चेकआउट कर रहे हैं, कब आप डिपार्चर कर रहे हैं, कब आप अराइवल कर रहे हैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड में, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप अपने एजेंट से कन्फर्म करो, उनसे लो कि भाई क्या चीज़ आपने फाइलिंग में डाली थी और ये हमें वापस दो, ये हमें बताओ। तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये मैं फ्रेश पासपोर्ट की बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, जब आप वहाँ पे जाते हो तो भाई रिटर्न टिकट मैंने बताया आपको कंफर्म होनी चाहिए, होटल बुकिंग वो भी आप कंफर्म कर लो सेफ साइड के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़, आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपके पास होना चाहिए, ऑन द स्पॉट कई बार मांग लेते हैं तो फिर आप मतलब हेजिटेट हो जाते हैं या फिर है ना एकदम होपलेस हो जाते हैं, तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कमी नहीं है, क्योंकि सस्ता ही होता है तो इजीली आप उसको कर सकते हो, रिकमेंडेड नहीं है लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैश अमाउंट, काफ़ी सारे बंदे ये पूछते हैं कि भाई कैश कितना होना चाहिए। तो कैश भाई ऐसा है कि अगर देखो आपके पास एक बैंक का कार्ड होता है, नॉर्मली सभी लोगों के पास होगा, उस बैंक के कार्ड में कोई वीज किसी के पास वीज़ा है, किसी के पास मास्टर है, लेकिन मोस्टली लोगों के पास वीज़ा होगा डेफिनेटली, तो वीज़ा कार्ड में आप बैंक को कॉल करो, या फिर आजकल तो मोबाइल ऐप्स में भी ऑप्शन होते हैं कि आप जो इंटरनेशनल सर्विसेज हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हो, पॉस POS की होती है, कैश विड्रॉल की होती है, ठीक है, और स्वाइप की होती है, सब लिमिट्स को आप ऑन करके रखो आपके अकाउंट में। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि एटलीस्ट आपके अकाउंट में 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। वो किस लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी आप उधर एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें भी मेंशन होता है, आप देखना अगर आपका एजेंट आपको बताएगा तो उसमें मेंशन होता है कि भाई दिस मच अमाउंट वी आर स्पेंडिंग इन न्यूजीलैंड, कि इतना पैसा हम वहाँ पे न्यूजीलैंड में स्पेंड करेंगे, तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। देन यू कैन टेल देम, उनको बता सकते हो आप कि भाई ये हमारी इतने करेंसी है मेरे अकाउंट में, एंड आई विल यूज़ माई कार्ड्स एंड इट इज़ इंटरनेशनली एक्टिवेटेड, वो चेक कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, आप बोल सकते हो उनको, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक इट इज़ इंटरनेशनली एक्टिवेटेड, आई कैन यूज़ इट एट माई ओन रिस्क एनी वेयर ऑन एनी ATM। तो यहाँ जाके आप एयरपोर्ट पे जाके ATM भी होते हैं अवेलेबल, वहाँ पे आप कैश निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप सेफ साइड के लिए रखना चाहो तो 500 न्यूजीलैंड डॉलर्स आप रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ थी भाई, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं विद विच डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको इसमें बता दिए, है ना। तो अब आपको ट्रैवल कैसे करना है ये पता चल गया, कैसे आप वहाँ पे जा सकते हो ये पता चल गया, सेफ्टी कहाँ पे आपको यूज़ करनी है, किस चीज़ में यूज़ करनी है वो बहुत ज़रूरी है।
बहुत सारे लोगों की भाई ये भी रहते हैं कि बोर्डिंग डिनाई कर रहे हैं। देखो भाई बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स हैं न्यूजीलैंड की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, और वहाँ पे काम की क्या सिचुएशन है वो भी हमने लोगों को बताई है ऑलरेडी। तो भाई सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सोच समझ के ट्रैवल करो। अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो पहले थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, क्योंकि जो वीज़ा दे रहा है न्यूजीलैंड 1 साल की वैलिडिटी है विद 6 मंथ मल्टीपल एंट्री, मतलब एक नहीं आप कई एंट्री कर सकते हो। तो बेटर है कि भाई अपना थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। अगर किसी के पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है तो ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर सकता है, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना करे क्योंकि रिजेक्शन आ रहा है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है देन यू कैन ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया विद वेरी लो बजट। ऑस्ट्रेलिया से आप न्यूजीलैंड बड़े आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये की टिकट मिल जाती है इजीली, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई ये कुछ ऐसे ट्रैवल हैक हैं जो मेरे हिसाब से कोई भी यूट्यूब पे बताता नहीं है, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो, बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जिससे आप ट्रैवल कर पाओ, आपको बोर्डिंग तो मना होगी ही होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो आपने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में सीखी, अगर आपको ट्रैवल करना है कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अंदर की बातें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को भाई शेयर कर देना जिनको भी ट्रैवल करना है, ग्रुप्स में डालो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी शेयर करो, और अगर कोई नया आया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।